तो इसी वजह से लुकमान हाकिम ने अपने बेटों को नसीहत किया या बुनाई अल्लाह तो सिर्फ बिल्ला इन नशर का लाजुल मुनाजिम आए मेरे बेटा शिर अल्लाह से कभी शिरक ना करना इसलिए कि ये शिरक बहुत बड़ी गुना है इन न शिरक लजुलमन अजीम शिरक बहुत बड़ा गुना है अजीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर खता को माफ कर देंगे लेकिन सवाए शेरिक की शरिक को माफ नहीं फरमाएंगे अब चौथी चीज अल्लाह के की तीन चीजें बताया मैंने एक है वही सकी फिर अल्लाह के रसूल की शान में फरमाया सबसे पहले नंबर अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले नंबर यतलू अलह दूसरे नंबर यूजक की तेसरे नंबर में ना, फरमाया व यु आलिमोल हे तीन चीजें खत्म हो गई चौथी चीज वल हेकमा पैगंबर खुदा लोगों के हेकमत की तालीम भी देता है हेकमत का आम फाम मतलब दानाई दानशमंदी यह गहरी समझ की बातें यह गहरी समझ की बातें हैं इंतहाई गहरी समझ के सल्लल्लाहु मकबूल वसल्लम ने एक जाहिल कौम की तरबियत इस तरीके से के उन्हें दुनिया की मतमदन कौमों की सफत में ला खड़े किया ये लोग इल्म और, और अखलाक से आ रही थे मगर यह अलैहि वसल्लम की तालीम हिकमत का नतीजा था कि उन्हें इल्म हकमत की बा, बा, बाम इल्म हकमत की तक पहुंचा दिया और उम्मी कहलाने वाले लोग दुनिया की माल्म बनकर उबार कर आया उम्मी कहलाने वाले लोग दुनिया की माल बनकर उबार कर आए तो इस हकमत से मुराद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है दानाई भी है दानिशमंदी भी है और गहरी समझ की बातें भी है और फिर जाहिल को एक तरबियत याफ्ता बना दिया फिर ऐसे कौम को ना दुनिया की ऐसे कौम को ना ऐसे कौमों को ऐसे सिफत में लाकर खड़ा किया कि ये लोग इल्म और हिकमत और अखलाक से आरी थे मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नतीजे में ये इस काबिल इल्म और हिकमत में इतनी आगे इतने उरूज पर पहुंचा दिया है कि उम्मी के लाने वाले लोग आज मेरे दोस्तों मालम बनकर उभर कर आया इससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है हजरत इमाम गंगई रहमतुल्लाह अलैह मौलाना गंगई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सही हदीस जो हजूर सल्लाम से साबित है वो कुरान की शराह है सही हदीस जो अलैहि वसल्लम से साबित है वो आज से साबित है वो क्या है कुरान की शराह है हदीस शरीफ और जो चीज हजूर नबी करीम सल्हसम की कौल फेल या तकरीर से साबित हुआ वो सराफा हिदायत है

गुमराहियत में थे अपने बेटियों को ज़िंदा दरगोर क्या करते थे इन लोगों को जो है मेरे दोस्तों औरतें जो बच्चे पैदा होते थे उनको अपने घरों से दूर क्या कर देते थे इस किस्म की ना वो बटकी हुई थी गुमराहियत में डूबे हुए थे अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान की तालीम ना कुरान की तालीम देकर हिकमत और तस्किया नफ्स और तलाबात कुरान के जरिए से एक बाखलाक और मतबदन कौम बना दिया और उस जमाने में जगह जगह बुत रखे हुए थे हती के खुद बैतुल्ला शरीफ में तीन सौ साठ खुदों को रखा यानी बुतों को रखा पूरी की पूरी कौम शर्क की लानत में गिरफ्तार थे तोहद के तस्वुर रखने वाला कोई भी इक्का दुक्का आदमी हुआ करता था लेकिन उन्होंने मिलत इब्राहिम की असूलों को बिगाड़ कर रख दिया गुजश्ता चार पाँच सौ सदियों से पूरे दुनिया में अंधे में पूरे दुनिया अंधेरी में डूबे हुए थे ईश्लाम की बात बोसत की बात से अल्लाह के रसुल पाँच सौ सत्तर साल बाद इस दुनिया के अंदर अंदर तशरीफ लाए हैं पूरे दुनिया अंधेरियों में डूबे हुए जुल्म में डूबे हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लाम को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेज कर फिर उनके अंदर बोसत नबूत फरमाया फिर उसके बाद ख़ातबी बनाकर रहमत रहमतमीन बनाकर और नूर हिदायत और रोशन और चमकदार किताब को देकर इस दुनिया के अंदर बेच कर इस दुनिया से तमाम तर आंदरी को दूर कर दिया है पूरे दुनिया को उजलाई उजाला कर दिया है पूरा दुनिया को रोशनी ही रोशनी कर दिया पूरे दुनिया को नूर हिदायत से चमका दिए है शायर पढ़ते हैं कि बराग

चार जिम्मेदारियाँ दी है उसका भी मैंने तस् कर फिर सबसे पहले अल्लाह इज्जत ने एक मादी दौलत दूसरे एक हकीकी नियामत एक मादी नियामत दूसरे एक हकीकी नियामत जो अल्लाह ने अता फरमाया वो अल्लाह के रसूल की वजूद मुबारक और फिर कुरान मजीद को अल्लाह ने इतनी बड़ी मेरे दोस्तों दौलत अता फरमाया जिसकी रोशनी में चलकर, जिसकी ऊपर अमल करके आप नूरी हदायत पर आ सकते हो हदायत की रोशनी पा सकते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना बारह ही में ताल्लुक माल्ला हासिल कर सकते हो तो आज आप लोग जो मैंने तश्री किया गौर से सुनने की कोशिश करें इससे पहले जो आयात मैंने पढ़ा इससे पहले भी एक दरस कुरान में हमारे गुजरे हैं मेरे दोस्तों जलल्लाकुम जिक्र के रसल ने बतौरे नसीहत कुरान भेजी हैं बतौर नसीहत कुरान को बतोरे नसीहत भेजी हैं यह आप गौर से सुने बिल्कुल ग़ौर के साथ सुनेंगे आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने ग़ौर से नहीं सुना तोज्जो से नहीं सुना तो आपकी कुछ भी नहीं समझ में आएंगे लेकिन गौर और फ़िक्र तवक् तदब्बर से उसको सुने इन शाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इलमी बात है और दलाइल वाली बात है अकली नकली हर किस्म की दलाइल इसके अंदर मौजूद है अल्लाह हम सबको अमल करने की अता दावाना, फ़रमाएँ वाहमदिल्ल रबी आलम